हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और सुरक्षित होंगे। ये भी बहुत सुंदर है और ये सिर्फ 999 का है, बहुत बड़ा है एक्चुअली। आईकिया प्रोडक्ट्स के फाइनल पार्ट वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले दो और वीडियो मैंने बनाया है, तो आप वो भी जाकर चेक कर सकते हो। बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मैंने उस वीडियो में दिखाए हैं। इस वीडियो में आपको मेनली स्टडी से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, साथ में ही आपको डिफरेंट सेटअप देखने को मिलेंगे किचन के, और किचन के प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। कितने का ये इनबिल्ट? नहीं, ये 20,000 का, ये 43,000 का। आइकिया में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजर्स आपको मिलेंगे, जो कि बहुत ही अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स होते हैं, स्टडी होते हैं और बहुत हेल्पफुल होते हैं, जो कि आप अपने किचन कैबिनेट और ये सब में यूज़ कर सकते हैं। तो और जो प्राइस है, प्राइस भी जो अफोर्डेबल रेट ही रहता है। बड़ा चीज़ है रखने के लिए, बोल वगैरह अगर मान लो अंदर रखना है। कटलरी ट्रे है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो क्रॉकरी को स्टोर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टैंड है, और बहुत अच्छे अच्छे स्टैंड्स हैं, लाइक मेटल के हैं तो काफ़ी स्टर्डी भी हैं। और यहाँ पे एक ये अंडर कैबिनेट वाला ये लाइक आप ऑर्गेनाइजर है, जो कि आप कैबिनेट में ही हैंग कर सकते हो। और साथ में यहाँ पे एक मुझे ये डस्टबिन दिखा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एटलीस्ट कम से कम आप अपने ड्राई वेस्ट के लिए इसको ज़रूर यूज़ कर सकते हो। शैंपेन बोल है। अच्छा, आइस डाल के भी रखते हैं, पर मल्टीपर्पस यूज कर सकती हो ना। बार टेबल खराब तो नहीं, यहाँ पर बेचेगा मेटल है। और यहाँ पे देखिए ये डाइनिंग एरिया का जो सेटअप है, ये कितना सुंदर है ना, बहुत ही सिंपल है और बहुत सुंदर है। ये इसका है 600। सर्विंग बाउल तो इसका
चाहिए 339 पेपर। कितने का है? ये फर्स्ट टाइम है जब मैं आइकिया में आई हूँ, लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस है हमारा। तो यहाँ पे मेन जो पर्पस था आने का वो यही था कि आइकिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसको मैं लाइक देखना चाहती थी कि किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, क्या क्वालिटी है, और जो भी प्रोडक्ट्स मैं पसंद आए ना वो मैं ऑनलाइन ही ऑर्डर करूँगी। तो जब भी ऑर्डर करूँगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। और हमारा जो आज का दिन है और हमारी जो भी आज शॉपिंग थी वो सब खत्म होता है। और ये फर्स्ट फ्लोर जो था वो हमने एक्सप्लोर किया और ग्राउंड फ्लोर पे फिर हम गए बिलिंग के लिए। तो हमें पता चला कि ग्राउंड फ्लोर पे और भी बहुत सारे आइटम्स हैं जो कि वहाँ पे किचन रिलेटेड आइटम्स मेनली थे। लेकिन हमारा जो टाइम था वो खत्म हो चुका था, घर जाना था, तो फाइनली हम घर के लिए निकल गए और बिलिंग कराने के लिए चले गए। आज हम लोग का एक्सप्रेस बिलिंग ही है, ज्यादा नहीं है। तो सबसे पहले हमने जो लिया है वो ये एक डायनासोर सॉफ्ट टॉय लिया है। ये आया है लगभग 1000 रुपीज़ का था, आई थिंक 999 का था। उसके बाद एक लंच बॉक्स था ये डॉगी वाला, तो ये हमें आया है 149 रुपीज़ में। एक ये बिप्स है जो कि मैंने अपनी नीस के लिए लिया है, आई थिंक ये 250 रुपीज़ का है। एक ये स्पून लिया है जो कि इसमें 4 स्पून है और 19 रुपीज़ के ही है। और ये पोटपूरी जो है वो 99 रुपीज़ की है। You have to keep it. चलो उसमें नहीं रखना है, दिस मेटल आई थिंक दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, इट्स ओके, यू कैन टेक दिस। चलो तुम ही को काटेगा आज। और ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे एग्जिट पे भी यहाँ पे स्नैक्स काउंटर है, तो अगर आपको कुछ खाना पीना है आफ्टर शॉपिंग तो आप यहाँ पे खरीद के खा भी सकते हो। कौन सा है लेवल हम लोग का? कौन सा लेवल है? What's your name? His name is Tommy. तो हमारी जो शॉपिंग थी आइकिया में वो खत्म हो चुकी है। शॉपिंग नहीं, एक्सप्लोरेशन। हम लोग बस सिर्फ एक्सप्लोर करने आए थे। थोड़ा बहुत जो है टुकू को जो पसंद आया वो हमने खरीद लिया और मैंने आपको दिखा भी दिया। एक डायनासोर लिया है। एसी ऑन करो ना। ये रहा टुकू का डायनासोर और ये रही टुकू। सो जाओ। तो आपको कुछ टिप्स जैसे कि अगर देना होगा तो मैं यही दूंगी कि आप एक बार आप गूगल पर जाके देख लो क्या पीक टाइमिंग है, क्योंकि कुछ टाइमिंग जो होता है ना वो पीक टाइम होता है। जैसे बीच मुझे आफ्टरनून का टाइम जो लगा वो पीक टाइम लगा। और मैं एक्चुअली जो फर्स्ट फ्लोर है ना फर्स्ट फ्लोर पे ही गई थी और ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो किचन से रिलेटेड आइटम है, लाइक क्रॉकरी आपको मिल जाएगा, किचन रिलेटेड सारा आइटम ही मुझे दिख रहा था। वो सारी चीजें जो ग्राउंड फ्लोर वाली थी वो सारी चीजें मैं नहीं कवर कर पाई क्योंकि टाइम ही नहीं मिला। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात है ना यहाँ पे डे केयर भी है, तो आप अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। हम लोगों ने ट्राई किया कि टुकू को जो है ना वो वहाँ पे डाल दें, लाइक वहाँ पे वो थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेगी फिर बाद में ले आएंगे। लेकिन जब वो सुनी ना कि उसको अकेले रहना पड़ेगा तो वो नहीं गई। बहुत इंजॉय किया लेकिन बस वही है कि पैर का जो है ना बैंड बज गया है, बहुत थक गए हैं। हम लोग आए थे यहाँ पहुँच गए थे 11:30 में, अभी हो रहा है 5:43। 6 घंटे हम लोग 6 घंटे यहाँ रहे और सिर्फ एक फ्लोर ही कवर कर पाए और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे तो
ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो मैं सोच रही हूँ जो ग्राउंड फ्लोर है ना किचन वाला, जो भी रिलेटेड आइटम्स है उस पर फोकस करूंगी। अगर आप वीकेंड पे आते हो तो इसी टाइम पे आ जाओ, बहुत सही लगा। एक्चुअली इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है तो इसलिए ना ज्यादा कहीं भी ना खड़ा नहीं रहना पड़ा। खाने के लिए भी हम लोग गए तो वहां भी ज्यादा भीड़ नहीं थी, और जब हम लोग निकल रहे थे ना उस टाइम पे बहुत लंबी क्यू हो गई थी, तो एकदम परफेक्ट टाइम पे हम लोग आए थे। तो यही है कि टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखिए, वीकडेज पे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर आप वीकेंड पे भी आते हैं ना तो थोड़ा लाइक आफ्टरनून, जैसे कि मैं हम लोग चाह रहे थे कि 10 बजे तक पहुंच जाए, लाइक 9 बजे अगर घर से निकलते तो 10 बजे पहुंच जाते हैं। नाइस रोड से आप आते हैं ना, आपको हार्डली 2 से 2.5 किलोमीटर आपको मेन ट्रैफिक में रहना पड़ेगा अगर ट्रैफिक हुआ तो हम लोग भी यही होप कर रहे हैं कि वापस जाते टाइम भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को। तो लेट्स सी, जो भी है बहुत अच्छा रहा हम लोगों का एक्सपीरियंस। तो इसी नोट पे ये वीडियो जो है मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में कि इसमें से आपको क्या अच्छा लगा, क्या कौन सा आइटम है जो आपको अच्छा लगा, कौन सा सेक्शन है जो आपको अच्छा लगा, कौन सा थीम है जो आपको अच्छा लगा, जरूर बताना ये कमेंट में। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज। बाय। स्वीडन का देखो ना, अच्छा स्वीडन और इंडिया दोनों का है फ्लैग, ये रहा एग्जिट। और यहाँ पे मेट्रो भी है तो आप मेट्रो के थ्रू भी आ सकते हो। नागा संद्रा, तो ये रहा मेट्रो स्टेशन, आप मेट्रो से भी आ सकते हो।